अस्सलाम वालेकुम नाजरीन खेलों की खबरें और अपडेट के साथ आपकी खिदमत में राजा बिशारत ताज़िर है और आप देख रहे हैं हमारा चैनल बिशारत स्पोर्ट्स नाजरीन आज मुल्तान की इंतहाई गर्मी में वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान के पहला मैच था वनडे का और यह मैच पाकिस्तान ने जीत लिया है इंतहाई दिलचस्प मैच था और आखिरी लम्हात में मैच जो है एक नामुमकिन सूरत हाल अख्तियार कर गया था वहाँ पर जाके पाकिस्तान ने जो है ये मैच को जीता है हम आपको मैच की यह तफसील बताते हैं आज बाबर आजम ने फिर 103 रन बनाए हैं और वो लगातार सेंचुरियां कर रहे हैं बाबर आजम ने जनाब सबसे कम इनिंग्स खेल के सबसे ज्यादा स्कोर करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया बाबर आजम के रिकॉर्ड के बारे में एक अलहदा वीडियो करेंगे इसमें उनकी सारी बातें जो है वो बतानी मुमकिन नहीं है तो आप एक मेरी वीडियो का इंतजार कीजिएगा इन्ताई शानदार वीडियो इन बाबर आजम के बारे में उनके रिकॉर्ड और सारे आपकी खिदमत में पेश नाजरीन आज इस तरह हुआ कि वेस्ट इंडीज ने खुद टॉस जीता और बैटिंग जो है वो मुंतखब की इतहाई ज़्यादा गर्मी थी जनाब चार बजे मैच शुरू हुआ मैच के दौरान अलीमदार गर्मी की वजह से बीमार हो गए और उनकी जगह के ऊपर रिजर्व अम्पायर जो था उसने आके आधे मैच की अम्पायरिंग की और बॉलिंग इंताई मुश्किल थी आकब जावेद ने तो आज यहाँ तक कह दिया है कि इस गर्मी में जनाब जो बॉलर्स हैं इनको खिलाना तो ऐसा है जैसे मौत के कुएं में इनको डाल दिया जाए तो बहरहाल मैच हुआ और बॉलिंग जो थी हमारी वो हारिस रऊफ ने गोके ज़्यादा रन दिए 77 रन दे दिए सतर रन दे दिए 10 ओवर में लेकिन वो चार विकटे लेने में कामयाब हो गए और शहनशाह आफरीदी बाकी सब की अच्छी बॉलिंग थी लेकिन जैसे पिछली वीडियो में बताया था ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ जो सीरीज़ हो रही थी कि हसन अली कुछ आउट ऑफ फॉर्म है उनसे कुछ बात बनी नहीं वो विकेटलेस रहे लेकिन शादाब खान ने जो है वो बांध के रख दिया और जो है शादाब खान ने वेस्ट इंडीज़ को जो स्कोर था वो खुलकर करने नहीं दिया और नवाज़ ने भी अच्छी बॉलिंग की शाहिन शाह आफरीदी तो हाई किंग मेरे ख्याल में अब मौका आ गया है कि बाबर आजम जो है वो हसन अली के साथ दोस्ती जो है वो बाद में निभाए लेकिन यहाँ पे शाहनवाज दानी को उनकी जगह पे चांस देना चाहिए नाजरीन आठ विकेटों के नुकसान के ऊपर जब 305 सौ स्कोर किया और पाकिस्तान की बारी आई तो बहुत जल्दी आउट हो गए ग्यारह रन के ऊपर फखर जमान लेकिन बाबर आजम और इमाम इमामुल्हाक के दरमियान एक अच्छी पार्टनरशिप लगी इमाम का आपको पता है कि जब से 2022 हजार बाईस आया इमाम -लाक आउट ही नहीं हो रहे और हर मैच में वो लगातार स्कोर करते जा रहे हैं लगातार स्कोर करते जा रहे हैं आज भी उन्होंने पैंसठ स्कोर किया और फिर बाबर आजम का साथ दिया मोहम्मद रिजवान ने वो 59 स्कोर कर सके और बाबर आजम ने 103 रन बनाए और जैसे बताया कि बहुत सारे रिकॉर्ड आपको बताएंगे उन्होंने चकनाचूर कर दिए आज जब रिजवान आउट हुए तो जो स्कोर था वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया था नादरीन अगर किसी मैच में ओपनिंग में फ़खर जमान चल जाएं तो फिर तो रन रेट का प्रॉब्लम नहीं होता लेकिन अगर फ़खर जमान जैसे आज, आज आउट हो गए थे जल्दी आउट जल्दी आउट हो जाएं तो आखिरी ओवर्स में रन रेट बहुत हाई हो जाता है तो फिर वही सिलसिला था कि ऐसे लगने लगा था कि पाकिस्तान के हाथ से मैच निकल गया है लेकिन आफरीन खुशदिल शाह को खुश दिल शाह ने बाईस बालों के ऊपर जनाब 44 फोर रन बनाए और वो मैन ऑफ द मैच करार दिए गए और ऐसा मैच जो लोग अब ये समझ रहे थे कि ये पाकिस्तान के हाथ से निकल गया है वो खुश दिल शाह ने मुमकिन कर दिया तेईस बालों के ऊपर एक इकतालीस रन बनाए खुश दिल शाह ने जिसमें चार छक्के थे और एक चौका था तो बहुत ज़बरदस्त उनकी कारी थी नाजरीन अब तक सिर्फ इतना ही तो इंशाल्लाह अगले मैच के बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफिज़